कक्षा 11वीं इतिहास, यायावर साम्राज्य और जो मंगोल साम्राज्य है उसके बारे में आपको पढ़ाया हूं। और साम्राज्य क्या होता है, मंगोल कौन थे, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। आज मैं आपको जो इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। पहला जो प्रश्न है, मंगोल कौन थे, जो इसका उत्तर है, मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में लातार, खितान तथा मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। ये प्राण घुमक्कड़ लोग थे। ये लोग स्टेपी प्रदेश में रहते थे। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा जो प्रश्न है, यायावर साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य है? इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, मूल रूप से घुमक्कड़ लोगों को यायावर कहा गया। स्टेपी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो घुमक्कड़ थे उनको यायावर कहा गया। यही लोग मंगोल थे। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित करके एक अनुशासित सैन्य शक्ति खड़ी की और उससे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसी की यायावर साम्राज्य कहा गया है। तीसरा जो प्रश्न है, चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका जो उत्तर है, चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया के उत्तरी भाग में हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमू जिन था। उसके पिता का नाम एसु जेई और माता का नाम ओलुन इक था। उसका विवाह बोरेट नामक कन्या से हुआ। उसका तथा उसकी पत्नी का अपहरण करके गुलाम बना लिया था, जिससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसे कठिन संघर्ष करना पड़ा था। जो चौथा क्वेश्चन है, मंगोलों के काल में स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर क्यों नहीं स्थापित किया जा सका? इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, मंगोल घुमक्कड़ होते थे। उनका मुख्य काम पशुओं को चराना तथा शिकार संग्रहण करना था, अतः वे एक स्थान पर नहीं रहते थे। उन्होंने कृषि कार्य को भी नहीं अपनाया, इसलिए वे शिकार संग्रहण तथा चारे की तलाश में घूमा करते थे, अतः एक स्थान पर रहना संभव नहीं था। इसी कारण स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर स्थापित नहीं हो सका। पांचवा जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया? इसका उत्तर है, महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया? इसका उत्तर है, उत्तरी चीन के किसानों पर यायावरों के हमले होते थे और इनकी
लूटपाट करके भाग जाते थे। इन हमलों से बचने के लिए चीन के शासकों ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया। छठवां जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, चंगेज खान कौन था? उसने मंगोलों का संगठन क्यों किया? इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, चंगेज खान यायावर साम्राज्य का संस्थापक था। उसने मंगोलों का विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से मंगोलों का संगठन किया। उसने 1206 ईस्वी में मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित किया। सातवां जो प्रश्न है, मंगोल अपने स्टेपी परंपराओं के आधार पर हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे, इसका क्या कारण था? इसके प्रमुख कारण था, स्टेपी क्षेत्र में उस समय धर्म परंपराओं की भिन्नता थी तथा तरह तरह की अर्थव्यवस्था थी, अतः स्टेपी परंपराओं के आधार पर शासन चलाना संभव नहीं था। अतः इस क्षेत्र में मंगोलों को नए समझौते करने पड़े और नई कार्य प्रणाली लागू करनी पड़ी। आठवां जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, तेमुजिन कौन था? शत्रुओं को परास्त करने के बाद उसने शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार किया? इसका जो उत्तर है, तेमुजिन चंगेज खान के बचपन का नाम था। वह साहसी था तथा कुशल सैनिक था। उसने अपने शत्रुओं को पूर्ण रूप से पराजित किया और उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वह भविष्य में सर उठा सके। उसे कुचल दिया गया या मार दिया गया। अपने पराक्रम से वह सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरा। नौवां जो प्रश्न है, तेमुजिन को संगेज खान या सार्वभौम शासक की उपाधि कब और क्यों दी गई? इसका उत्तर है, तेमुजिन की विजय तथा पराक्रम से प्रभावित होकर 1206 ईस्वी में मंगोल शासक के सरदारों की सभा कुरिल ताई ने उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ महानायक घोषित किया गया। बच्चों, आपके सामने जो प्रश्न है उसके उत्तर भी हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और इसका अभ्यास करिए, इसको समझिए आप लोग। और आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मेरे से संपर्क करें। और जो इसका दसवां जो क्वेश्चन है, चंगेज खान की सैनिक सफलता के क्या कारण थे, तो इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, वह एक महान योद्धा, साहसी तथा कुशल रणनीतिकार था। दूसरा है, घुड़सवार सेना की कुशलता। तीसरा है, चंगेज खान एक अच्छा तीरंदाज था। चौथा है, चंगेज खान के पास मंगोलों की कुशल अनुशासित सेना थी। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, इनका जो पीडीएफ है आप सबको इसका सेंड कर दिया जाएगा। और आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखें और इसका अभ्यास करें और आप लोग थोड़ी मेहनत करें और